हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है हर्षिता शर्मा। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर ओनली ऑन द चैनल जेआरएफ अड्डा। मैं जेआरएफ अड्डा ह्यूमैनिटीज़ पे भी आती हूं और जेआरएफ अड्डा मेन चैनल पे भी आती हूं। ये मेरा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मॉडरेटिंग एंकरिंग का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, सोशल एक्टिविज्म में भी कारगर हूँ और भारत को भी रिप्रेजेंट करती हूँ एज अ यूथ डेलीगेट एट वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। आपको मेरा टाइम टेबल बता दूँ, यूट्यूब पे मैं रोज़ 6 बजे आती हूँ जेआरएफ अड्डा ह्यूमैनिटीज़ पे फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, और जेआरएफ अड्डा जो मेन चैनल है उस पे थर्सडे टू सैटरडे। ये मेरा नया टाइम टेबल है, तो आप याद रखें यूट्यूब पे 6 बजे रोज़, ठीक है, शाम को। ह्यूमैनिटीज़ पे मंडे टू वेंसडे द फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक, और जेआरएफ अड्डा मेन चैनल पे लास्ट के जो 3 दिन है थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आप अच्छे से लाइव फाउंडेशन बैच दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये आपके सामने हमारे हेल्पलाइन नंबर्स, आप यहाँ पे भी कॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। इसी के साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसी पूरे कोर्स में जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, PhD इंटरव्यू काउंसलिंग, आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और वैकेंसीज टाइम टू टाइम है वो अपडेटेड रिव्यूज़ आपको, 10 साल के PYQs, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, क्रैश कोर्स अलॉन्ग विद अ प्रॉपर स्टडी प्लानर, ये सब कुछ आपको इस एक कोर्स में मिलने वाला है फॉर बोथ योर पेपर 1 एंड पॉलिटिकल साइंस। इट्स अ 360 डिग्री कोर्स जो आपकी हर नीड को, जो भी आपको ज़रूरत है अपनी तैयारी में, वो आपको हम एज इट इज़ देने वाले हैं। बहुत फ़ायदा होगा, एनरोल ज़रूर करें, ठीक है। और क्योंकि दिवाली चल रही है, आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सभी के लिए एक बहुत स्पेशल ऑफर हम लेकर आए हैं, खूब सारे डिस्काउंट्स और सरप्राइजेस आपके हमारे सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे। आप कोड यूज़ करेंगे DEEP दीप, ठीक है, तो अपना जो कहते हैं ना सक्सेस का दीपक आपको जलाना है, हमारे कोर्स आप एनरोल करेंगे और आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो आज मैं आपके लिए जो ये सेशन लेकर आई हूँ, इससे मैं आपके साथ ब्रीफली कुछ एनालाइज करना चाहती हूँ, एनालाइज करना चाहती हूँ कुछ क्वेश्चंस को, जो कि डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि इस बार काफ़ी शॉकिंग आए हैं या सरप्राइजिंग आ सकते हैं अपन कह सकते हैं, और एक तरह से इन क्वेश्चंस को देख के अपन को काफ़ी सारी लर्निंग्स भी मिली हैं, ठीक है, काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली है कि हमें अपनी तैयारी दिसंबर 2024 की किस डायरेक्शन में मोड़नी है, किस डायरेक्शन में लेके चलनी है। एक चीज़ सबसे पहले आपको बता दूँ कि चेंज ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपकी जो इनडेप्थ नॉलेज है और जो वैरायटी ऑफ क्राइटेरियाज और थीम्स UGC नेट कवर कर रहा है आजकल, उसके बारे में आप थोड़े जानकारी रखेंगे तो दिसंबर 2024 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं इन क्वेश्चंस को शॉकिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल हैं। वैसे देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो 15 से 20 क्वेश्चंस अनकन्वेंशनल आना लाजमी है, लेकिन इतने ज़्यादा आना और इस लेवल पे आना कि बच्चे को कोई मे बी हवा ही ना हो, या फिर आप सारे ऑप्शंस में से सब कुछ नहीं रट सकते हो, इस लेवल पे आप ना रट सकते हो, और आप कन्वेंशनल और बेसिक जो भी आप सोर्सेज फॉलो करते हो उसमें अपन रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं, ना हम ऐसे को हम ना मास्टर्स में पढ़ते हैं ना ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, और देखते भी हैं तो सिर्फ एक आंखों से निकाल के अपन साइड में कर देते हैं। PYQ ट्रेंड्स में भी इन क्वेश्चंस को ज़्यादातर देखा नहीं गया है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे अपन को एक तरह से कह सकते हो गाइडेंस की तरह ये क्वेश्चंस हमारे लिए काम करेंगे हमारी आगे वाली तैयारी के लिए, और हमें एक रास्ता दिखाएंगे कि हमें और किन चीज़ों पे फोकस करना है हमारी प्रिपरेशन में, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द शॉकिंग क्वेश्चंस दैट आई फील वर आस्क्ड इन रीनेट पॉलिटिकल साइंस। इस बार नॉट ओनली द लेवल ऑफ द पेपर वॉज हायर शिफ्ट 2 में, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा आई गई है, वेरी सरप्राइजिंग, राइट। सो इसलिए अब हमारे लिए लेसन है कि अब जो जो भी क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं उनका यही लेवल आप कह सकते हो होने वाला है, राइट। सो आगे चलते हैं। सो जैसे कि एक सवाल शिफ्ट 1 से आपके सामने है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, किताबों से रिलेटेड है, मैच द फॉलोइंग। मैंने बहुत सारे मैच द फॉलोइंग आपके साथ डिस्कस करे थे और मैंने आपको सारे, एक्चुअली सारी यूनिट के जितने भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन से मैंने आपको आपके साथ मैराथन सेशंस में करवाए थे आपको, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो आप अगर ऑप्शन देखो तो ऑसबॉर्न फिर भी हम जानते हैं, ऑसबॉर्न हमने देखा है, रेगुलर कन्वेंशनल सोर्स में पढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम इतनी सारी किताबें देखते हैं, हम इतनी सारी कन्वेंशनल बुक्स देखते हैं, ठीक है, फेल की बुक्स देखते हैं, टेलर की बुक्स देखते हैं, PYQs में किताबें देखते हैं, तो इतना पढ़ने के बावजूद भी ऐसे बाहर से
पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड किताबें, ठीक है, जिसमें से ऐसे जो थिंकर जो कि कन्वेंशनल नहीं है, ये याद रखना बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, या हो सकता है इस बच्चे ने पढ़ाई ना हो, क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर ट्रेंड देखें तो थ्योरी से रिलेटेड और जो भी कन्वेंशनल बुक्स पूछी गई हैं उनसे ही सवाल अपन ने आज तक देखे हैं। तो ऑब्वियसली ठीक है, ऑसबॉर्न पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट इन्होंने ये किताब लिखी, ठीक है, और जो आपके क्रिस्टोफर हुड है, इन्होंने द आर्ट ऑफ द स्टेट कल्चर और पब्लिक मैनेजमेंट पे इन्होंने बात करी कि कैसे कल्चरल फैक्टर्स भी पब्लिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। देन यू हैव जैन एरिक लेन, ठीक है, इन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इन जनरल बात करी है। इनका नाम हम ज़रूर पढ़ते हैं जब हम NPM को स्पेसिफिकली देखते हैं, पर NPM भी अपन ने आज तक देखे हैं, तो अपन इनके फीचर्स और कंपेरेटिव एनालिसिस में देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इतनी डिटेल में अपन इतने सारे थिंकर्स को NPM में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देन माइकल बार्सले, ऑब्वियसली आपका एक लास्ट ये जो बुक पढ़ती है NPM इम्प्रूविंग रिसर्च एंड पॉलिसी डायलॉग। तो एक तरह से ये है कि जो किताबें अभी तक PYQs में हर टॉपिक वाइज पूछी गई है, NPA से रिलेटेड, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, थ्योरीज से रिलेटेड, क्लासिकल अप्रोच से रिलेटेड, इनकी एक लंबी लिस्ट आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अलग से बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें और लास्ट में इनको रिविजन पे डाल दें, ठीक है। तो यदि आपको इसमें से मान लीजिए 60-70% भी किताबें और थिंकर्स याद हो जाते हैं तो आप ईजिली सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। सो ये मेरा परसेप्शन है इस चीज़ को लेके कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी सारी किताबें हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत किताब फॉलो करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो उसमें भी आपको ये मिलेगा, बाकी हमारे पेड क्लासेस में तो इनको अदरवाइज करवा ही रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली आपके सामने एक और थ्योरी आ जाती है, हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, ये हमने पढ़ा है, पर हम इनको बेसिक या कन्वेंशनल रिसोर्सेज में इन डिटेल नहीं देखते हैं, जनरली बच्चे इन चीज़ों को मिस आउट कर जाते हैं। वैसे तो देखा जाए ज्योग्राफी की थ्योरीज हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम IR में इनको देख लेते हैं, आंखों से निकाल लेते हैं। ये मेरे हिसाब से अगेन एक अनकन्वेंशनल सा टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा PYQs में भी पूछा नहीं गया है। हार्टलैंड थ्योरी मैकिंडर ने दी है। हार्टलैंड थ्योरी क्या बोलती है कि जो आपका यूरेशिया वाला पार्ट है या सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, जो उसको रूल करेगा वो वर्ल्ड को रूल करेगा, ठीक है। रिमलैंड थ्योरी जो सेंट्रल एशिया के आगे रिम साउथ एशिया हो गया आपका, या फिर मिडिल ईस्ट वाला एरिया हो गया, जो रिमलैंड को करेगा, स्पाइक मैन ने दी है, वो वर्ल्ड को रूल करेगा। सिमिलरली सी पावर थ्योरी जो कन्वेंशनल नेवल पावर्स हुआ करती थी, महान ने ये बोला था, जो कन्वेंशनल सी पावर्स हुआ करती थी वो सी पावर बनाना बहुत ज़रूरी है यदि आपको वर्ल्ड को वो क्या बोल सकते हो रूल करना है। सिमिलरली एयर पावर, दैट द टेक्नोलॉजिकली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग व्हेन इट कम्स टू एयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्होंने इन डिटेल्स एवर्स की ने बॉम्बिंग्स, एयर बॉम्बिंग्स की बात करी है, ठीक है, फैक्टर्स की बात करी कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको एयर पावर स्ट्रांग बनाता है आपकी, राइट। सो ये भी टॉपिक सब आने लगा है, बिकॉज ये सारी जो थ्योरीज हैं आज की तारीख में बहुत ज़्यादा क्या है 21st century में कारगर हैं, इनका काफ़ी हद तक अपन इम्पैक्ट दुनिया में होता हुआ देखते हैं। तो ऐसे भी सवाल अब आने लगे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। सिमिलरली अब जैसे एक सवाल था, पीसफुल राइज ऑफ चाइना इज़ अ मिथ रादर देन अ रियलिटी, ठीक है, इसमें भी काफ़ी बच्चों को आप कह सकते हो कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि चाइना इंडिया रिलेशंस अपन देखते हैं, अपन चाइना की क्रोनोलॉजी देखते हैं, इस बार तो चाइना इंडिया से बहुत सारे सवाल आए हैं, 3 से 4 सवाल तो आए हैं, दैट टू स्टेटमेंट वाइज है, क्रोनोलॉजिकल वाइज। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो भी हम कंट्रीज़ के रिलेशंस देख रहे हैं इंडिया के साथ, उनके अपन को मेजर इवेंट्स ढंग से पता होने चाहिए, उस कंट्री की पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी क्या है इंडिया के प्रति वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने 5 स्टेटमेंट्स दिए, और अगर मैं स्टेटमेंट नंबर बी की बात करूँ, सो चाइनाज मैसिव एड टू एशिया अफ्रीकन कंट्रीज अंडरमाइंस इट्स क्लेम्स टू पीसफुल राइज, तो ये चीज़, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाता है, ये अपन बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैसिव एड टू एशियन अफ्रीकन कंट्रीज जो चाइना आजकल दे रहा है अपनी युआन डिप्लोमेसी के तहत, युआन डिप्लोमेसी जो चाइना लेके चल रहा है, युआन इज़ द करेंसी ऑफ चाइना, तो अंडरमाइन नहीं करती बल्कि ओवरमाइन करती है, फिर आप कह सकते हो इट एनहेंसेस चाइनाज क्लेम ऑफ राइज, राइट। सो मैसिव एड तो वो देता है, तो बी को अपन ये हटा देंगे इस ऑप्शन को, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका हट गया, जैसे अपन ने बी ऑप्शन हटाया तो 1 और 4 आपका हट जाता है। इसके अलावा यदि आप डी वाला ऑप्शन देखोगे, सो चाइनाज अजर्शन ऑफ 9-line इज अगेंस्ट इट्स क्लेम ऑफ पीसफुल राइज, ठीक है। सो ये भी आपका क्या हो जाता है, ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, D9-line जो है आपका साउथ चाइना सी वाला, ठीक है, ऑब्वियसली 9-line पे ये चाइना क्लेम कर रहा है जो अपन साउथ चाइना सी में देखते हैं, सो इट इज़ डेफिनेटली अगेंस्ट जो चाइना पीसफुल राइज का क्लेम करता है, तो
इट्स नॉट एट ऑल पीसफुल, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, राइट? सो डी तो डेफिनेटली है, सो टू या थ्री में से अपन देखते हैं. देन यदि मैं आपका ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ, चाइना सपोर्ट टू नॉन डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन कंट्रीज वायलेट्स इट्स क्लेम टू पीसफुल राइट्स, तो ये ऑप्शन भी गलत है. तो सपोर्ट टू एनी ऑफ अदर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डज नॉट वायलेट इट्स पीसफुल क्लेम फॉर श्योर, ठीक है? तो ये बी और सी अपन हटा देते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट हो जाता है. तो ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो ये जो ऑप्शन हैं आपको किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं मिलेंगे, एक पर्टिकुलर सोर्स पे नहीं मिलेंगे. ये जब आप मल्टीपल मैटर या इंडो चाइना के इवेंट्स पढ़ रहे हो, चाइना के कुछ करंट अफेयर्स आप लेके चलते हो, उनके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, यदि आप चाइना की वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है, सलामी स्लाइसिंग क्या है, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डिप्लोमेसी क्या है, ये जो अपन देखते हैं इनको यदि आप कंपाइल करोगे तब जाके आप ऐसे सवाल सॉल्व कर पाते हैं, राइट? यस, इट वॉज एन अनकन्वेंशनल क्वेश्चन फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर श्योर. फिर आप यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड लोकसभा. अब नंबर ऑफ वुमेन तो अपन देखते ही हैं, लेकिन क्या हम सारे इतने इलेक्शंस में सब में नंबर ऑफ वुमेन याद रख सकते हैं? कल को पता नहीं एससी और एसटी पूछ लें, हाउ मेनी एससीज एंड हाउ मेनी एसटीज वगैरह, कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट? सो नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड इन लोकसभा इज डेफिनेटली वन ऑफ द अनकन्वेंशनल टॉपिक्स आई मस्ट से, बिकॉज बच्चा नहीं याद रख सकता कि हर साल में कितनी वुमेन इन पर्टिकुलर कौन से नंबर थे. तो ये सब आप आइडिया से लगा, तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि विद कमिंग टाइम्स, ठीक है, 1951 इलेक्शंस के बाद से आज जब हम देखते हैं 2024 इलेक्शंस, तो डेफिनेटली वी सी द नंबर ऑफ वुमेन राइजिंग, राइट? तो आप इससे एक तरह से एक आइडिया लगा सकते हो और उस हिसाब से आप क्रोनोलॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हो. देन ऑब्वियसली अ वेरी वेरी अनकन्वेंशनल टॉपिक वॉज द सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ सार्क. तो हम बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, और इस बार अगर मैं बोलूँ तो सार्क से बहुत सारे सवाल बने. सार्क से तो एक सवाल ये भी बना है कि हर साल की थीम क्या है उसको क्रोनोलॉजिकली लगाओ. तो क्या हमें सारे जनरल सेक्रेटरीज को देखना है? क्योंकि इतने सारे अपन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं, अपन आसियान देख रहे हैं, अपन कितने सारे देख रहे हैं, अपन एससीओ भी देख रहे हैं. तो देखिए, जो आपके मोटे मोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं सार्क जैसे हो गए, जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है या कारगर है, उनके अब आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा उनके सेक्रेटरी जनरल्स का. इनकी तो जनरली क्रोनोलॉजी भी पूछ ली, विच आई अंडरस्टैंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. ऐसे क्वेश्चन से या तो आप छोड़ दें, छोड़ना मतलब अटैम्प्ट तो करना ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप सारे 100% सवाल सॉल्व करके आएँ. पर आप इन चीज़ों को एक बार नज़र से निकाल लें, तो कुछ चीज़ें अगर अपन को दो भी याद रहेगा ना कि अच्छा भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल 1987 के आसपास आपके अबुल हसन थे, अगर एक या दो भी याद रह जाते तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है? सो इट वाज डेफिनेटली अ वेरी वेरी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन, राइट? देन यदि मैं बात करूँ तो यूएन सेक्रेटरी जनरल्स पे आपका सवाल आया है, तो यस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूछे गए हैं, अपन पढ़ते भी हैं, पर क्या इतना याद रखना ईजी हो जाता है? पता नहीं, डिफ़िकल्ट हो जाता है. अभी तो चलो आज सिर्फ क्रोनोलॉजी पूछे, कल को जैसे इस सवाल में आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, कौन से ईयर में कौन था, तो हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए. तो विद ईयर क्रोनोलॉजी आप यूएन सेक्रेटरी जनरल आप देख लें, हेड्स देख लें, ठीक है, इन कंट्रीज़ के और इन ऑर्गेनाइजेशंस के. सो ऑब्वियसली यूथांत पहले हैं, ठीक है? यदि अपन बात करें तो ट्रिग्वे लेज जो थे वो नॉर्वे के थे सबसे पहले, सबको पता ही होता है, ठीक है? फिर डैग हैमरशोल्ड, इनका एक क्या है अवार्ड भी अपन देते हैं, राइट? फिर यूथांत, ठीक है, देन कर्ट वॉल्डहैम, देन जेवियर स्यूलर, देन बॉट्रस घाली, इनके बारे में उनको पता ही है, कोफी आनंद, ठीक है, बैन की मून, एंटोनियो गुटेरेस जो आज पोर्चुगल के हैं, ठीक है? सो ये नाम है, कुछ कमी है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, इनके कौन से ईयर में ये थे, और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कुछ जो नोटेबल सेक्रेटरी जनरल्स हैं, बॉट्रस घाली हो गए या कोफी आनंद हो गए, ये जो है दीज आर द इम्पॉर्टेंट नेम्स. इन लोग क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, इन्होंने ऐसा क्या बोला या क्या किया, तो उससे रिलेटेड आप इनके बारे में बात करेंगे. वॉट आर दे नोन फॉर, वॉट आर दे नोटेबल फॉर, एंड इट बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आंखों से भी निकालेंगे तो काफ़ी चीज़ें याद रह जाती है. सिमिलरली IR और इंडियन फॉरन पॉलिसी में आपके कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस करके एक टॉपिक है, जिसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, जिसमें आपके टेररिज्म, रेफ्यूजी, क्लाइमेट, ठीक है, चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. तो इनसे रिलेटेड जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जो कन्वेंशंस हैं जो अपन टॉपिक वाइज देखते हैं ब्रीफ में, वो आपको पता होना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, ये अपन मतलब पढ़ते हैं पर इतना याद नहीं रहता है. 1954 है इसका आंसर. डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये अपन देखते हैं.
चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन ये इतना कन्वेंशनल नहीं है, राइट? तो इसमें से अगर अपन दो भी याद रख पाते तो अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, राइट? सो जैसे कन्वेंशन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1990, राइट? सो जब अपन कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस देखते हैं तो इन चैलेंजेस को भी पढ़ने का एक तरीका होता है, PYQs उठाते हैं, उनके इंपॉर्टेंट कन्वेंशन देखते हैं, ईयर्स देखते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई नोटेबल थीम आई है तो वो अपन देखते हैं, देन वी आर गुड टू गो, व्हाट इज द इशू, और अभी करंट अफेयर्स में उससे रिलेटेड अगर कोई समिट हुई है, ठीक है, कोई कन्वेंशन साइन हुआ है वो अपन देख लेते हैं, सो दिस इज हाउ वी कवर इट. देन ऑब्वियसली ये आपका बुक से रिलेटेड पूरी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, ठीक है, सो इसमें से एलिमिनेशन मेथड से सवाल बहुत ईजिली सॉल्व हो रहा है. जैसे यदि आप डी देखोगे तो जॉन लॉक आइडिया ऑफ जनरल विल वॉज सीड फॉर नेशनल डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो जनरल विल हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, जनरल विल दिया है रूसो ने, जनरल विल दिया है रूसो ने, लॉक ने नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन हटते ही, जैसे अपन डी ऑप्शन हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ऑप्शन नंबर 4 विच इज ए बी सी और ई, ठीक है. सो ये आपका डी ऑप्शन एलिमिनेशन, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एलिमिनेशन सॉल्व होता है यदि आपको बाकी के चार का ज़्यादा आइडिया है या नहीं है, राइट? देन नोबल प्रीस प्राइस इन 2017 ये आपको मिला था इंटरनेशनल कैंपेन फॉर द अबॉलिशन न्यूक्लियर वेपन्स, और आप कह सकते हो कि फर्स्ट टाइम एक ऐसा कन्वेंशन साइन हुआ है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को कम्प्लीटली क्या करा है, बैन करा है, विच वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ बाइंडिंग, राइट? तो ये अब आप पूछेंगे कि 2017 का सवाल इस बार क्यों आया, ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि अपन ये चीज़ हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के टाइम पे पढ़ते हैं, वी इन्वॉल्व एंड वी इनकल्केट व्हाट आर द रीसेंट कन्वेंशंस दैट हैव बीन साइन व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स, ओके? अपन कन्वेंशंस और कैंपेन्स काउंटर टेररिज्म से भी रिलेटेड पढ़ते हैं, अपन एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं, वुमेन और चिल्ड्रन से भी रिलेटेड पढ़ते हैं, ये सारे आपके आते हैं कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में, तो अपन को एक ब्रीफ आइडिया रहता है इस बारे में, बट येस आई वुड स्टिल से इट इज़ नॉट दैट कन्वेंशनल काइंड ऑफ अ टॉपिक. नाउ कमिंग टू वॉट यू कैन से द कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वाला पार्ट, तो इसमें भी अपन एलिमिनेशन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप स्टेटमेंट नंबर ई देखेंगे, जुडिशियल सिस्टम है ये, सो द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन इंडिया, सीधा सीधा ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं यूएस में ही होता है, हम पढ़ते हैं मारबरी और मेडिसन वाला केस, तो ई अगर अपन हटा दें तो 2 और 4 तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया. इसके अलावा यदि आप देखते हो सी, द जजेस आर द यूएस में जजेस आर नॉमिनेटेड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बट हम जानते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसको नॉमिनेट कौन करता है, द प्रेसिडेंट और द पोटस, पोटस द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. सो सी भी आपका गलत हो जाता है एंड देन यू आर लेफ्ट विद द ऑप्शन ए बी एंड डी, राइट? सो ऐसे हैं आप इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हो एलिमिनेशन देख के. देन आपका एक अनकन्वेंशनल जो क्वेश्चन फिर आया था कि हाई कोर्ट्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है, लक्ष्मीकांत का आपका टॉपिक जो बुक है उसमें जो हाईकोर्ट वाला चैप्टर, उसमें लास्ट पेज में पूरी टेबल दे रखी है कि कौन सा हाईकोर्ट कौन सा स्टेटमेंट कब पढ़ा है. इतना ध्यान बच्चे पढ़ते हुए नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि हमें ऑलरेडी इतने आर्टिकल्स कवर करने हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में. ये आपका सवाल आया है, ये आपका कौन सा है, यूनिट नंबर 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाला जो आपका यूनिट है उसमें से ही सवाल बनता है. ऑलरेडी आर्टिकल्स इतने पढ़ रहे हैं, इतने रूल्स पढ़ने, इतने फॉर्म्स पढ़ने, टेन्योर पढ़ने, तो बहुत बार ये टेबल अपन पढ़ भी लेते तो याद नहीं रहता. बट येस आपको इन डिटेल इन डेप्थ आपको इन चीज़ों को भी आइडिया रहना चाहिए. अब ऐसे सवाल बनने लग चुके हैं, राइट? देन हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स ऑफ शिकागो बाय स्वामी विवेकानंदा. तो हम जानते हैं कि 1893 में ये मोस्ट फेमस स्पीच इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और हिंदुइज्म में दी थी शिकागो इलियनस में. किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने. अभी तक सवाल यहीं तक आता था, अब पूछ रहे कि उस पर्टिकुलर वर्ल्ड पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट कौन था, तो वो था जॉन हेनरी बरोज. ये PYQ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और ये सवाल बहुत सारे सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में भी आ चुका है. सो थोड़ा सा अपन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका एक थोड़ा सा आउटरीच ले लो, थोड़ा और उसमें से एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो या ऐसे ही गूगल कर लो, तो एक जस्ट हैव अ लुक. तो यदि आपने वर्ल्ड रिलीजन ऑफ शिकागो स्वामी विवेकानंद को खोल भी लिया होगा, उसका कोई आर्टिकल भी पढ़ लिया, तो भी ये नाम कहीं ना कहीं आप पढ़ लोगे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अनकन्वेंशनल टॉपिक एंड ऑफकोर्स वी अंडरस्टैंड कि ऐसे आपको पता रहना चाहिए. अब देखो ये सवाल आया था, स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एज ऑन 31 दिसंबर 1947. अब ये किसी कारणवश ये ईयर दिया गया है और इस ईयर पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी, उस टाइम पर जो उसका आप कह सकते हो स्ट्रेंथ थी वो अलग थी. 31 दिसंबर पर स्ट्रेंथ अलग हो जाती है क्योंकि हम 15 अगस्त इस टाइम पे हमारा हो चुका होता है पार्टीशन,
इसलिए इन्होंने स्पेशली मेंशन करा है एज ऑन 31 दिसंबर 1947 कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रहना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करने का मकसद ही ये था कि आपको बताया जाए दैट हाउ अवेयर यू आर विद रिगार्ड्स टू दिस। लक्ष्मीकांत में टेबल है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड स्टेट वाइज, उसको आपको देखना है। सो दीज टेबल्स डेटा एंड फैक्ट्स हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जो अपन आपके 7 यूनिट में देखते हैं। देन ऑब्वियसली विच ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट गॉट द नोबेल पीस प्राइज फॉर मीडिएशन बिटवीन जापान एंड रशिया, अगेन अनदर आई वुड से अनकन्वेंशनल टॉपिक, बट यदि आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ इसमें देखो दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जापान एंड रशिया वॉर हम जानते हैं स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी के आसपास हुई थी, 1906 के आसपास ये अवार्ड मिलता है किसको, रूजवेल्ट को। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीगन जो है, रीगन बहुत बाद में आए हैं, कैनेडी बहुत बाद में आए हैं, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो और भी बाद में आए हैं, तो ये तीन तो हो नहीं सकते। रूजवेल्ट ही हो सकता है, बिल्कुल शुरू शुरू के प्रेसिडेंट है, जब अपन कुछ समझते हैं कि जापान और रशिया में क्या हुआ है, जापान और रशिया में उस टाइम पे वॉर हुई है, राइट। सो ऐसे भी आप डॉट्स क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अब तक 4 US प्रेसिडेंट जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, जो लेटेस्ट US प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, जिनको पीसफुल मीडिएशन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला है, राइट। सो ये ऐसे यू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये देखो डेजिग्नेटेड सार्क ईयर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से अनकन्वेंशनल टॉपिक। यार हम जब सार्क देखते हैं, हम मेंबर्स देखेंगे, हम पर्पस देखेंगे, हम मिशन देखेंगे, हम रीजन सबमिट देख लेंगे, अपन चलो आपने सेक्रेटरी जनरल पूछा वो भी देख लेंगे, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि ये जो सार्क सबमिट्स हो रही है सबके थीम्स क्या हैं, ठीक है। तो ये है, अब देखो ये सवाल आया है, अगर आपने रीडिंग करी होगी, आंखों से निकाला होगा, तो फिर भी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये पूरा सेशन बनाने का मकसद ये था दैट यू नो UGC NET is now expanding its scope पढ़ाई के टाइम पे। अगर आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, मेक श्योर कि उसको आप थोड़ा सा ग्रिल करो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी, थोड़ा ग्रिल करो, करंट में भी देखो, उसका थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड भी ले लो, एक गूगल भी कर लोगे उस टॉपिक को, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट एंड यू नेवर नो वो ऑप्शन में एज एन यू विल बी टू सॉल्व। इसी के बेसिस पे हमने जो भी रिसेंट ट्रेंड है, हमारे सारे फिल्टर नोट्स रेडी हैं आपके लिए, ठीक है। आप हमारे कोर्स में एनरोल करेंगे और आपको सारी इन डिटेल विद मॉक्स एंड PYQ प्रैक्टिस कोर्स मिलने वाला है। लाइव फाउंडेशन बैच है ये, आपके सामने स्क्रीन के सामने हेल्पलाइन नंबर है, आप इसमें एनरोल करें, आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है। ऐप डाउनलोड करेंगे उस पर भी आपको मिल जाएगा, Paper 1 एंड पॉलिटिकल साइंस। एनरोल नाउ फॉर योर December 2024 बिकॉज नाउ वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रेंड। इसी के साथ आपको ना ही सिर्फ हैंडबुक्स मिलेंगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, PhD काउंसलिंग, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग एंड द कंप्लीट स्टडी प्लानर यू विल गेट फॉर योरसेल्फ। फिल्टर्ड नोट्स एक द फ्रेश कोर्स है टू आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द न्यू स्कोप एंड द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ UGC नेट। आए एनरोल करें, और दिसंबर है, ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एनरोल करेंगे आप, इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि हमने इस बार देख लिया कि UGC नेट का जो रीनेट हुआ है उसमें PYQs और टेस्ट सीरीज की महत्वता, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, डिटेल एक्सप्लेनेशन, रियल टाइम इंटरफेस और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको इससे मिलने वाले हैं, बिकॉज JRF अड्डा है तो मुमकिन है। सो आप एनरोल करेंगे हमारा JRF अड्डा एप्लीकेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है आपके सामने है, इसको एनरोल करें, इसमें आप सब्सक्राइब करेंगे फॉर ऑल द रियल टाइम अपडेट्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी प्रेपरेशन में। So all the best to all of you. I will come with another session on political science. Thank you. Take care. Bye-bye.